बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इकरास तड़का। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कोफ्ता बिरयानी, जिसे बनाना नहायत ही आसान है और ये नहायत ही मज़ेदार होती है। कोफ्ता हमने पहले से ही तैयार कर ली है, सिर्फ इसका मसाला तैयार करना है। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। प्याज भी है जिनको हमने ऐसे काट लिया है, ठीक है। और हमने लिया है ऑयल, लिया है हमने 3 चम्मच, क्योंकि बिरयानी में जो है जो ऑयल है वो कम ही लगता है। उसके बाद उसमें हमने ज़ीरा डाला, क्रैकल किया ज़ीरा को। उसके बाद हमने प्याज डाले, अब हम प्याज को भून रहे हैं अच्छे से। टमाटर, लहसुन अदरक और कोफ्तों को डाल के अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद आपको स्पाइसी ऐड करेंगे, उसमें दाल मिर्च डालेंगे एक चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और चिकन मिर्च डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे थोड़ी सी। और अब इसको अच्छे तरीके से पाँच दस का भून लेंगे। हम शाम का मुंबई मसाला इसमें ऐड करेंगे 2-3 चम्मच। हल्दी ऐड करेंगे, तेल सेपरेट हो रहा है, हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसमें दही फैट के डाल देंगे। इसको साथ पकाते जाएंगे ताकि गुठलिया ना बने, अच्छे से हलाएंगे। और आप इसको 5-10 मिनट अच्छे से भून लेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। सारा ऐड करेंगे 4, ये तेज पत्ता डाल देंगे। यहाँ पर इसमें हम ग्रीन चिलीज डाल देंगे, अच्छे से हला लेंगे और इसको 5-10 मिनट अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर इसमें जायफल की लकड़ी का पाउडर शामिल करेंगे, हला देंगे। सेपरेट हो रही है, हम इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे। कोरमा मसाला तैयार है। 1 लेमन स्क्वीज करेंगे, 3 ग्लास। इसमें हमने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 काली मिर्चें और 2-3 लौंग और जीरा डाल दिया। अब ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है और इस पर हम 2-3 चम्मच नमक के ऐड करेंगे और बॉयल आने देंगे। सिरका ऐड करेंगे, इससे ये होता है कि हमारे चावल आपस में जुड़ते नहीं है, खिला खिला हमारा चावल बनता है। आज 1/2 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे, इससे बहुत खुशबू आती है हमारे चावलों में। बॉयल आ गया, अब इसमें चावल ऐड करेंगे। उसके बाद हम 2-3 पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, ये हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। अब हम अपने चावलों को बॉयल आने देंगे। हमारे चावलों को बॉयल आ रहा है, बॉयल हो चुके हैं। हम इसमें नीचे ऑयल बिछाएंगे। चावलों की तह लगाएंगे नीचे। जो कोफ्ते का मसाला मैं तैयार किया हुआ है उसकी तह लगाएंगे। फिर ऊपर चावलों की तह लगाएंगे।
बाद हम इसको ढक के रख के ऊपर थोड़ा सा और ऑयल शाम करेंगे। ये हमारे चावलों को नहीं खाते हैं तो दम रखेंगे। कोफ्ता बिरयानी रेडी है माशाल्लाह से। हमारे कोफ्ता बिरयानी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।